Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. मोटे तौर पर मुझे लगता है कि घटना हुई है तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी हमारी है, हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक इस तरह का इनपुट नहीं था। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पार बैठे लोगों को या यहाँ जो आतंकवाद बढ़ाना चाहते हैं उनको जब ये सूचना मिलती है कि टूरिस्ट इन्फ्लक्स बढ़ रहा है, उनको जब ये सूचना मिलती है कि नहीं इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट यहाँ आने वाला है, तो निश्चित रूप से उसमें व्यवधान पैदा करने की एक सोची समझी साजिश है और इस साजिश को नस्तनाबूद करना होगा। इस पूरे इकोसिस्टम को ही समाप्त करने का हर पुरजोर प्रयास किया जाएगा। अजी साहब, जिस तरह जिस पैटर्न की ये किलिंग्स हुई हैं, क्या आपको लगता है कि कोशिश ये की जा रही है कि जो कम्युनल फैब्रिक यहाँ पे था, जो ब्रदरहुड यहाँ पे था, भाईचारा यहाँ पे था, उसको ठेस पहुँचाने की कोशिश किसी न किसी जगह हुई है? एकदम आपने सही कहा है, यहाँ जो आपस में प्रेम और मोहब्बत है ये चिन्हित करके ऐसे निर्दोष लोगों को मारना ताकि इस तरह की भावना यहाँ पैदा हो और वो अपनी कोशिशों में कामयाब न हो, इसकी हर पुरजोर कोशिश की जाएगी। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनको मैं सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि उनके परिजनों के आंसू जो निकले हैं उसका ज़रूर हिसाब किया जाएगा, हिसाब ठीक से किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ विस्तृत चर्चा हुई है और मानवता के जो इन दुश्मनों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर के 125 करोड़ नागरिकों के जान माल की हिफाजत का मुकम्मल बंदोबस्त हो, इसकी रणनीति बनाई गई है। पिछले 2 वर्षों में जिस रास्ते पर जम्मू कश्मीर अमन के रास्ते पर, शांति के रास्ते पर, विकास के रास्ते पर चल रहा था, और ख़ास तौर से अगर आप पिछले 3-4 महीनों को देखें तो जो आंकड़े उपलब्ध हैं हमारे पास, जुलाई में 10.5 लाख टूरिस्ट आया है, अगस्त में 11,28,000 टूरिस्ट आया है। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.